हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी शैल स्टडी अबाउट यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट डिक्शन, कि डिक्शन का यूज़ हम कैसे सही ढंग से कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि डिक्शन क्या होता है. सो डिक्शन इज़ एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स ऑफ अ पार्टिकुलर लैंग्वेज इन अ करेक्ट वे. तो डिक्शन होता है किसी भी लैंग्वेज के शब्दों को सही ढंग से प्रोनाउंस करना, सही ढंग से बोलना, प्रोनाउंसिंग दैम राइटली विद राइट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि शब्दों को सही ढंग से समझना और फिर उन्हें एकदम सही ढंग से प्रोनाउंस करना, ना ये डिक्शन कहलाता है. दैट इज ईच वर्ड टू बी प्रोनाउंस्ड करेक्टली अकॉर्डिंग टू इट्स साउंड. इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर एक शब्द को एकदम सही ढंग से प्रोनाउंस करना होगा उसकी साउंड के अकॉर्डिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव डिक्शन ऑफ इंग्लिश. तो इंग्लिश का डिक्शन इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एज इट इज़ यूनिवर्सल लैंग्वेज स्पोकन इन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वेयर एवर यू मे गो यू कैन फाइंड एन इंग्लिश स्पीकर देयर. तो इंग्लिश जो है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज कहलाती है और ये दुनिया के कई कोनों में बोली जाती है. आप पूरी दुनिया में कहीं भी आप विजिट कर लें, आपको कोई ना कोई इंग्लिश बोलने वाला वहाँ मिल ही जाएगा. देर आर सम टिप्स टू मेक योर डिक्शन ऑफ इंग्लिश अप्रोप्रिएट. आगे कुछ टिप्स दिए गए हैं जिससे आपका इंग्लिश का डिक्शन जो है वो काफ़ी सही हो जाएगा. सो फर्स्ट टिप इज़ स्पीक मोर इंग्लिश देन एनी अदर लैंग्वेज. तो आपको जो है इंग्लिश ज़्यादा बोलनी चाहिए, बाकी लैंग्वेजेस को थोड़ा कम बोलना चाहिए. वी हैव द टेंडेंसी टू स्पीक मोर ऑफ लोकल लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज देन दैट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. तो हमारी ये आदत होती है कि हम अपनी मदर टंग या किसी और लैंग्वेज को, लोकल लैंग्वेज को हम ज़्यादा बोलते हैं और इंग्लिश को हम कम बोलते हैं. बट वी नीड टू चेंज इट. लेकिन हमें ये सब चेंज करना होगा. वी नीड टू स्पीक मोर एंड मोर ऑफ इंग्लिश विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. हमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इंग्लिश को ज़्यादा बोलें और बाकी लैंग्वेजेस को कम बोलें और इंग्लिश को हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलें. नेक्स्ट है फोकस ऑन व्हाट यू स्पीक एंड डोंट बी डिस्टर्ब. तो आप फोकस करें, जो बात आपने बोलनी है उस पर आप फोकस करें और ज़्यादा आप डिस्टर्बेंस महसूस ना करें. जनरली वी हेजिटेट स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ अदर्स, वी शुड नॉट डू इट. हमारी ये आदत होती है कि हम लोगों के सामने इंग्लिश बोलने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं और हमें ये नहीं करना चाहिए. जस्ट स्पीक इंग्लिश मोर एंड फोकस ऑन व्हाट यू स्पीक, डोंट केयर ऑफ व्हाट अदर्स थिंक. तो आपको ज़्यादा फोकस यही करना चाहिए कि आपको इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा बोलनी चाहिए और लोगों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज अटेंड ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स. तो आपको कभी भी इंग्लिश बोलने के सेमिनार्स मिलते हैं तो आपको उन्हें अटेंड करना चाहिए. दिस इज़ वेरी नेसेसरी. बाय अटेंडिंग ट्रेनिंग सेशंस एंड सेमिनार्स एटसेट्रा ऑन स्पोकन इंग्लिश वी गेट टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड आफ्टर नोइंग इट डू रेगुलर प्रैक्टिस टू इम्प्रूव योर डिक्शन. तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग सेशन और सेमिनार्स इंग्लिश बोलने के अटेंड करने चाहिए. वहाँ से हमें इंग्लिश की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता लग जाता है और इंग्लिश की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता लगने के बाद हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए. उससे हमारा डिक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ वर्क ऑन योर स्पीड ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स. तो आपको इंग्लिश कितनी स्पीड से बोलनी चाहिए उस पर भी आपने ध्यान देना है. डोंट स्पीक वर्ड्स वेरी स्लोली और वेरी फास्ट. आप इंग्लिश को बहुत धीरे धीरे भी नहीं बोलें और बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं बोलें. जस्ट वर्क ऑन योर स्पीड, स्पीक मोस्ट ऑफ द वर्ड्स विद नॉर्मल स्पीड. तो आपने अपनी इंग्लिश बोलने की स्पीड की ओर ध्यान देना है और आपको इंग्लिश जो बोलनी है वो नॉर्मल स्पीड से बोलनी है. नेक्स्ट इज हैव कॉन्फिडेंस. तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंग्लिश बोलने का. नेवर थिंक दैट यू कैन नेवर बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर. Always have confidence in you, then in you that होना था यहाँ, that you can become a good English speaker. ठीक है. तो कभी आप ऐसा मत सोचो कि आप एक अच्छे English speaker नहीं बोल सकते हो. हमेशा आप में confidence होना चाहिए कि आप एक अच्छे English speaker बन सकते हो. डोंट लेट नेगेटिव थाट्स डिस्टर्ब यू. कभी भी आपने नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं लानी है कि हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते. इस नेगेटिविटी से आपने बचना है. नेक्स्ट इज सी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स ऑफ इंग्लिश ऑन इंग्लिश एंड न्यूज़ ऑन टीवी. ठीक है. तो आपको इंग्लिश के प्रोग्राम्स टीवी पे देखने चाहिए और इंग्लिश न्यूज़ भी देखनी चाहिए. क्वाइट ऑफन यू शुड सी इंग्लिश न्यूज़, गुड इंग्लिश मूवीज एंड इंफॉर्मेटिव इंग्लिश प्रोग्राम्स ऑन टीवी. इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश. तो अक्सर आपको इंग्लिश न्यूज़ और अच्छे इंग्लिश मूवीज़ और अच्छे इन्फॉर्मेशन देने वाले इंग्लिश प्रोग्राम्स को टीवी पे देखना चाहिए. इससे आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होगी.
नेक्स्ट आई लिव इन द कंपनी ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स, आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं। यू कैन फाइंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु हैव सम कमांड इन स्पोकन इंग्लिश, आपको ऐसे दोस्त और ऐसे रिलेटिव्स मिल जाएंगे जो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं। यू कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम एंड टॉक टू देम इन इंग्लिश, और आपको उनके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए और उनसे ज़्यादा बातचीत इंग्लिश में ही करनी चाहिए। इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज हैव अ डिबेट, आपको डिबेट भी करनी चाहिए अपने ही फ्रेंड्स के साथ। डिबेट ऑल द टॉपिक्स विद योर फ्रेंड्स एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप ज़्यादा डिबेट्स और डिस्कशंस करें इंग्लिश लैंग्वेज में ही। स्पीकिंग इंग्लिश विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स विल हेल्प यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो आप अपने दोस्तों के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। दीज आर फ्यू गाइडलाइंस विच हेल्प यू इन which will help you in improving your diction in English, ये कुछ guidelines दी गई हैं जिनसे आप की English diction improve होगी। And please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you so much.